फाइनली टेलीविजन और फिल्म के शूट्स रीस्टार्ट होंगे महाराष्ट्र में। शूट स्टार्ट करने के लिए मिली हरी झंडी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और फैंस का इंतजार होगा खत्म। तो दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी के लोग दिन रात शूट के लिए परमिशन मिलने का इंतजार कर रहे थे और उद्धव ठाकरे जी से अपील कर रहे थे कि वो परमिशन ग्रांट करे। फाइनली उस पर वर्डिक्ट आ गया है। बीती रात सीएम ने अनाउंस किया कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्री अपना शूट रिज्यूम कर सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ। उन्होंने 16 पेजेस की गाइडलाइंस शेयर की है, जहां बहुत सारी अहम बातें कही गई हैं। इनका शूटिंग प्लेस पर बड़ी सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो दी हुई परमिशन हॉल्ट कर दी जाएगी। मराठी फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर नितिन वैद्य, जो इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने इस मिली परमिशन पर बताया, वी आर हैप्पी दैट सच अ डिसीजन हैज केम इन सो अर्ली इन आर टॉक्स विद द गवर्नमेंट। दिस इज लाइटनिंग स्पीड। ऑल द टेक्नीशियंस, राइटर्स, आर्टिस्ट हैज बीन वंडरिंग व्हेन आवर वर्क वुड रिज्यूम बिकॉज देयर लाइव्स हैड कम टू अ स्टैंडस्टिल ओवर दिस 2.5 months. We don't have any tentative date, but it's up to broadcast, to producer, to procure the necessary permission to get production started. We will of course avoid casting actors above the age because they are more prone to coronavirus. But we have been told that in urgent cases, we can seek permissions from the government and include them strictly following precautions. Television producer Ekta Kapoor ne apne social media handle par tweet kar kaha, would like to express my sincerest gratitude to the honorable CMO of Maharashtra Uddhav ji for considering our request to begin work in a phased out manner by easing restrictions on film and television shooting 1.5. Well, aap bhi dekhiye di gayi 16 pages ki guidelines. डेट अब तक क्लियर नहीं है कि कब से शूटिंग शुरू की जाएगी, लेकिन आप इस परमिशन वाली बात पर कितने खुश हैं? जल्दी से अपने लाइक्स और कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं और टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।